हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएमसी गुरु महेंद्र वर्मा में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोरिंग बार के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोरिंग बार के बारे में। तो हमारा जो कंटेंट है आज का, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बोरिंग बार, बोरिंग बार क्या है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बोरिंग बार का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोरिंग बार। तो दोस्तों, हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, व्हाट इज बोरिंग बार, क्लासिफिकेशन ऑफ द बोरिंग बार एंड टाइप्स ऑफ बोरिंग बार। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात करते हैं व्हाट इज बोरिंग बार। तो बोरिंग बार क्या होता है दोस्तों? बोरिंग बार सीएनसी टर्निंग मशीन में हम लोग यूज करते हैं, लेथ मशीन में भी यूज करते हैं। मतलब कोई ड्रिल किया गया होल होता है, उस ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग बार का उपयोग जो है वो करते हैं। और बोरिंग बार जो है वो इंटरनल डायमीटर को जो है वो इंटरनल डायमीटर से मेटल को रिमूव करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोरिंग बार यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो है वो इंटरनली आईडी में जो है वो डायमीटर को जो है वो मेटल को रिमूव करता है। तो हम लोग आगे जानते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है बोरिंग बार का, वो कैसे होता है। तो देखिए, नॉर्मली जो हमारे जो बोरिंग बार होते हैं, जो हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन में यूज करते हैं, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बोरिंग बार है वो किस साइज का लगा हुआ है, और उस बोरिंग बार के अंदर आपका कौन से मेटल का बना हुआ है, बोरिंग बार के अंदर इंसर्ट कौन सी लगेगी, बोरिंग बार के अंदर जो आपका जो लग रहा है क्लैंपिंग सिस्टम है वो कैसा लगेगा, ये सारी चीजों के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है जिसे S25TPTFNL16। तो ये एक बोरिंग बार का नाम है। तो इसके अंदर देखिए, जो सबसे पहले पहला अक्षर है एस, एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब है आपका टाइप्स ऑफ बार। तो टाइप्स ऑफ बार क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड नंबर पे आता है बार का डायमीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर का मतलब होता है बार का डायमीटर। तीसरे का मतलब होता है बार की लेंथ कितनी है, आप जो बोरिंग बार यूज कर रहे हो उसकी कितनी लेंथ है। और चौथे नंबर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड, कि आपका जो बोरिंग बार है उसके अंदर जो इंसर्ट यूज किया गया है वो किस क्लैंपिंग मेथड के द्वारा उसके अंदर जो है वो फिट किया गया है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे जो बात करेंगे वो है हमारा इंसर्ट शेप, कि आपकी जो इंसर्ट है वो किस शेप की लगी हुई है। ओके, छठे नंबर पे हम लोग बात करेंगे बार लीड एंगल, बार का लीड एंगल जो है वो कितना है। ओके, बार स्टाइल एंगल या फिर बार लीड एंगल इसको कहते हैं। और सातवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि इंसर्ट का रिलीफ एंगल या फिर क्लीयरेंस एंगल कितने डिग्री का है। तो यहां से आपको इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल पता चलेगा, आपको यहां से यह पता चलेगा कि आपकी इंसर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद में आपको आठवें नंबर पे पता चलेगा हैंड ऑफ टूल। तो आठवें नंबर का जो अंक है वो हैंड ऑफ टूल दिया जाता है, कि कौन से साइड का आपका टूल है, राइट हैंड टूल है या लेफ्ट हैंड टूल है। उसके बाद में सोलवे नंबर, नौवे नंबर पे आपको यह 16 दिया गया, इसका मतलब है इंसर्ट एज कटिंग लेंथ, कि आपकी जो इंसर्ट है उसकी एज कटिंग लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर हम लोग किस प्रकार से इसको समझेंगे हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला पहला जो मैंने आपको बताया उसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ बार। टाइप्स ऑफ बार के अंदर देखो, पहले अक्षर पर अगर इनमें से कोई भी सिंबल आता है, जैसे मान लो ए आता है या फिर ई आ जाता है या फिर एफ या फिर एस, तो सबसे पहले ए के अंदर क्या होता है, अगर पहले नंबर पर ए आता है तो इसका मतलब आपका जो जो आपका बोरिंग बार है वो स्टील बार है विद इंटरनल कूलेंट सप्लाई। तो अगर आप इंटरनल कूलेंट सप्लाई का कोई भी अगर बोरिंग बार यूज करना चाहते हैं तो पहले अक्षर पे जो है वो उसके ए लिखा होगा, और अगर पहले अक्षर पे अगर अगर ई आता है तो उसका मतलब है कि आपका जो बोरिंग बार है वो कार्बाइड के मेटल का, कार्बाइड शेक बार का बना हुआ है। उसके बाद में अगर एफ आता है तो ये डैम सेट का बना होगा और कार्बाइड शेंक बार उसकी होगी, और अगर एस आता है तो सॉलिड स्टील बार जो है वो ये रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के अंदर देख लेंगे कि आपके जो आपका जो बोरिंग बार है उसका मेटल जो है वो कौन सा है। आगे की स्लाइड में आगे बढ़ते हैं।
सेकंड नंबर पे आपका जो है वो आता है बार का डायामीटर। बार का डायामीटर आपका जो है सेकंड नंबर पे दिया जाता है। सेकंड नंबर में अगर इस प्रकार का कोई भी सिंबल आता है, चाहे 6 आ जाता है, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32, 40, 50, तो जो बार का जो डायामीटर है वो यहां पर दिया गया है। यहां पर सिंबल दिया गया होगा और यहां पर बार का डायामीटर। अगर 6 आया तो यहां पे 6 mm का आपका जो है वो बार का डायमीटर रहेगा। अगर 8 आया है तो 8.0 mm का रहेगा। 10 आया है तो 10.0 mm का आपका रहेगा। तो ये आपको डायमीटर को शो कर रहा है कि आपका जो डायमीटर है वो कितना होगा। तो जो भी आपका सिंबल आ जाए उस सिंबल के अंदर आप लोग देख सकते हैं आसानी से कि आपका जो बार का सिंबल है, अगर इनमें से कोई भी सिंबल आएगा तो उतना ही आपका जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने का जो है वो यहां पर बार का डायमीटर होगा। तीसरे नंबर पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, टूल लेंथ इन एमएम। तो तीसरे नंबर पर अगर आपका इनमें से कोई भी सिंबल आता है तो यहां से आप जो है उसकी टूल की लेंथ को आराम से देख सकते हैं। ये सभी जो सिंबल है इनमें सभी की टूल लेंथ है वो यहां पर दी गई है। अगर मान लो एफ एफ आता है तीसरे नंबर पे तो इसका मतलब है कि आपका जो टूल है वो 80 mm लंबा है, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो कितने mm की है, 80 mm की है। अगर H आता है तीसरे नंबर पर तो टूल लेंथ 100 mm की हो जाएगी, ओके। अगर K आता है तो 25 mm की। इस प्रकार से आप इस चार्ट के अंदर जो भी आपको सिंबल दिया गया है उसके अंदर आपका जो बोरिंग बार है उसकी टूल लेंथ के बारे में आप लोग यहाँ पे जो है वो जान सकते हैं। तो देखिए अगर Y आता है तो आपका जो बोरिंग बार होगा वो 500 mm जो है वो लंबा हो सकता है, और अगर X आता है तो स्पेशल डिजाइन का जो है वो लेंथ इसमें आ सकती है। तो यहां से आप जो है वो टूल की लेंथ को देख सकते हैं कि कितने mm का टूल का आपका लेंथ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लैंपिंग सिस्टम। क्लैंपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैं ये क्लैंपिंग सिस्टम इंसर्ट के टॉपिक में और टूल होल्डर के अंदर पहले आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां पर अब की बार मैंने सिर्फ इसके नाम लिखे हैं। अगर मान लो चौथे अक्षर पर सी आता है, इसका मतलब है कि आपका जो इंसर्ट है वो टॉप क्लैंपिंग मेथड से क्लैंप किया जा रहा है, ठीक है। और अगर डी आता है, इसका मतलब है डबल टॉप एंड होल क्लैंपिंग सिस्टम से, मतलब डबल क्लैंपिंग सिस्टम से ये जो है वो क्लैंप किया जाएगा। अगर M आता है तो टॉप एंड होल क्लैंपिंग सिस्टम M क्लैंपिंग सिस्टम से हो सकता है, और P क्लैंपिंग मेथड में होल क्लैंपिंग मेथड होता है, और S क्लैंपिंग से स्क्रू क्लैंपिंग मेथड होता है। तो यहां से इस सिंबल से आपको पता चलेगा कि आपका इंसर्ट कौन से क्लैंपिंग मेथड के द्वारा जो है वो क्लैंप किया जा रहा है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ कि कौन से क्लैंपिंग मेथड का क्या मतलब होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट की शेप। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे आपको पता चलेगा कि इंसर्ट किस शेप का आपके बोरिंग बार के अंदर फिट होगा। अगर पांचवें नंबर पे टी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंगुलर शेप का इंसर्ट है। इस प्रकार से आपका ट्रेंगुलर शेप का इंसर्ट लगेगा, ओके, त्रिभुज वाला, और इस प्रकार से, और इसका जो शेप एंगल होता है वो 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपका सी शेप का इंसर्ट आता है तो आपका सी शेप का इंसर्ट आएगा और इसका जो एंगल होता है वो 80 डिग्री का होता है, ठीक है, 80 डिग्री का एंगल रहेगा। और स्क्वायर में आपका स्क्वायर इंसर्ट आएगा, एस में स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल वर्गाकार इंसर्ट होगा स्क्वायर इंसर्ट। आर में बिल्कुल आपका इंसर्ट जो है वो राउंड इंसर्ट आएगा। तो 360 डिग्री एंगल होता है इसका। यहां पर इधर आपका शेप एंगल दिया गया है, ये आपको सिंबल दिया गया इंसर्ट का, और इधर आपको जो है वो इंसर्ट का शेप का एंगल दिया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका इंसर्ट जो है वो कौन सी शेप का लगेगा। छठे नंबर पे हम लोग बात करते हैं। छठे नंबर पे आपको बार का स्टाइल एंगल पता चलेगा कि आपका जो बोरिंग बार है उसका बार स्टाइल एंगल कितने डिग्री का है। तो यहां से आप लोग बार स्टाइल एंगल देख सकते हैं। यहां पर ये सिंबल दिए गए हैं, इस सिंबल में से अगर छठे नंबर में कोई भी सिंबल आता है तो यहां पर इसका बार का स्टाइल एंगल आप देख सकते हैं। बार स्टाइल एंगल इन डिग्री में, ये सब डिग्री में दिए गए हैं, तो यहां से आप जो है वो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बार स्टाइल एंगल हो गया। उसके बाद में छठे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इंसर्ट रिलीफ एंगल। तो आपका जो भी इंसर्ट बोरिंग बार के अंदर लगेगा उसका एक रिलीफ एंगल भी होता है। तो रिलीफ एंगल या फिर उसको क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि आपका इंसर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां से आपको पता चलेगा जिस पर इसमें से कोई भी सिंबल अगर आता है तो उतना ही जो है वो आपका जो बोरिंग बार के अंदर आपका क्लियरेंस एंगल होगा। यहां पर ये सिंबल दिया गया है और यहां पर आपका दिया गया है ये आपका कितने डिग्री का क्लियरेंस एंगल होगा, और क्लियरेंस एंगल किस प्रकार से रहेगा वो यहां पर शेप आपको दी गई है। तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट का रिलीफ एंगल आपको बताएगा, मतलब क्लियरेंस एंगल को बताएगा। आठवें नंबर पे आगे चलते हैं। तो आठवें नंबर पे आपको पता चलेगा
हैंड ऑफ टूल। तो हैंड ऑफ टूल में आपको पता चलेगा कि आपका जो बर्निंग बार है वो राइट हैंड है या फिर आपका लेफ्ट हैंड है। इस प्रकार से है तो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा और इस प्रकार से है तो आपका राइट हैंड रहेगा। तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का जो आपको मालूम चलेगा वो आठवें नंबर पे आपको पता चलेगा, आर लिखा होगा या फिर आपका एल लिखा होगा। अगर एल होगा तो आपका लेफ्ट हैंड टूल है और अगर आर लिखा होगा तो आपका जो है वो राइट हैंड टूल है। उसके बाद में इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। इंसर्ट एज कटिंग लेंथ क्या होता है, मतलब आपके यहां पर जो इंसर्ट होती है उसकी लंबाई कितनी होगी, ये अलग अलग इंसर्ट का यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पर 80 डिग्री वाला इंसर्ट यूज करते हैं, मतलब अगर आप जो है वो सी टाइप का इंसर्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है, अगर इस इतना अंक लास्ट वाले अक्षर पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंसर्ट है उसका जो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ यहाँ पे एमएम में दी गई है। अगर 06 लिखा आता है तो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ 6.4 एमएम का रहेगा, 8 लिखा आता है तो 8.0 का रहेगा। और ये सिस्टम जो है वो हर एक इंसर्ट के अंदर अलग अलग होता है। और यहाँ पे इनस्क्राइब सर्कल जो है वो यहाँ पे दिया गया कि इनस्क्राइब सर्कल इसके अंदर कितना होगा, वो भी यहाँ पर जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सी शेप की इंसर्ट है उसका दिया गया डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में यहाँ पे ये एस टाइप इंसर्ट स्क्वायर इंसर्ट होती है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर डी शेप का इंसर्ट आता है 55 डिग्री वाला तो यहाँ पे उसका भी दिया गया है। तो सभी इंसर्ट का, ट्रेंगुलर इंसर्ट का भी दिया गया है। उसके बाद में हेक्सागोन इंसर्ट आता है तो उसका दिया गया है, और सर्कुलरिटी वाला इंसर्ट मतलब राउंड इंसर्ट आता है तो उसका भी दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो है वो बोरिंग बार का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।